नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिसेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि अभी अभी कल यानी बीते हुए कल को लोकसभा में बिल के रूप में प्रस्तुत हुआ और लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, हम एक नए संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बात को शुरू करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की फर्दर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन लोकसभा यस्टरडे। जी हाँ, हम लोग 127वें संवैधानिक संशोधन की बात करने वाले हैं, जिसका मसौदा, जिसका बिल, जो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया सरकार द्वारा, और वर्तमान में सरकार और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी सहमति जताते हुए इस बिल को लोकसभा से पारित भी कर दिया एक ही दिन में। जबकि पेगासस स्पाईवेयर और अन्य मुद्दों पर लगातार संसद में हंगामा जारी था, लेकिन इस 127वें संविधान संशोधन को लोकसभा ने एक छोटी सी अल्पावधि की चर्चा के बाद ही पारित कर दिया और अब एक राज्यसभा में पेश होने के लिए जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, और 5 मई 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने फैसले में ये भी कहा था कि जो OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास हैं, इनमें कौन शामिल किया जाए, कौन ना शामिल किया जाए, यानी कि इसमें किस जाति को शामिल किया जाएगा, किस जाति को शामिल नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है और यह अधिकार राज्यों को नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा अधिकार राज्यों को दिया जाता है तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन सोसाइटी इन इंडिया। लेकिन सरकार ने तब भी माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले पर असहमति जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि आप जो है अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करिए, लेकिन न्यायालय ने अपने मत से पीछे हटने से मना कर दिया था। उसके बाद अब जाकर के ये 127वें अमेंडमेंट के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि संविधान के अनुच्छेद 340 में इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 15 में यह भी कहा गया है कि सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समता को बनाए रखने के लिए सरकार प्रबंध कर सकती है। तो मोदी सरकार ने 127वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो बिल पेश किया है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अब OBC लिस्ट में यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट बनती है उसमें किसको शामिल करना है या किसको निकालना है, इसका अधिकार राज्यों को चला जाएगा। यानी कि राज्य अपने हिसाब से OBC की लिस्ट बना सकेंगे। और इससे पूर्व आप जानते ही हैं कि नीट की परीक्षाओं में OBC को EWS कैटेगरी में भी शामिल कर लिया गया था, जबकि OBC को ऑलरेडी 27% आरक्षण प्राप्त है। ऐसे में क्या ये निर्णय उचित है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल यह कानून प्रक्रिया में है और आशा है कि जिस प्रकार से लोकसभा में यह ध्वनिमत से पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी इसको आसानी से मिल जाएगी और यह शीघ्र ही कानून का रूप ले लेगा और राज्यों के पास ये अधिकार हो जाएगा कि वो अपने हिसाब से OBC में जातियों को शामिल करें या निकालें। जैसे ही ये विधेयक कानून का रूप लेगा, इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।